नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कांग्रेस सरकार आंतरिक आरक्षण पर ईमानदार नहीं है, बोले कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पीवाई विजयन। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रहलाद जोशी के भाई भतीजे को तत्काल रिहा करने का दिया निर्देश। हैदराबाद में सड़क किनारे फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद एक महिला की हुई मौत, 50 की तबीयत बिगड़ी। केरल कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड में किया रोड शो। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, एमएनएस में शामिल हुई तृप्ति सावंत। दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अंकुश और वैभव जैन को हाईकोर्ट से मिली जमानत। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, नरेंद्र लाल चंद जी को मीरा भयंदर से टिकट। आप सांसद स्वाति मलिवाल को कोर्ट से राहत, 2 से 15 नवंबर तक यूएस जाने की अनुमति। जम्मू कश्मीर अखनूर में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में अब तक 3 ढेर। झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पीएम मोदी आज भोपाल एम्स के नए भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी नेता शाइना एनसी शिवसेना में शामिल, मुंबा देवी सीट से मिला है टिकट। पीएम मोदी आज 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ कवर लॉन्च करेंगे। शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को उतारकर रचा चक्रव्यूह, आदित्य ठाकरे की अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भाजपा में बगावत, दिग्गज नेता गोपाल शेट्टी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तमाशबीन बने रहे लोग और प्रेमिका को पीटता रहा लड़का, गाजियाबाद का वीडियो हो रहा वायरल। आप नेता सत्येंद्र जैन की कथित संलिप्तता वाले धन शोधन मामले के 2 सह आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख आज। पटना में मेट्रो टनल में हादसा, 3 मजदूरों पर चढ़ा लोको पिकअप, 1 की मौत। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन करने की आखिरी तारीख। धनतेरस का त्यौहार आज सुबह 10:31 से शुरू होगा खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज रन फॉर यूनिटी का होगा आयोजन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई, व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन। अमेरिका ने जॉर्जिया में कथित चुनाव उल्लंघनों की जांच की अपील का समर्थन किया। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।